हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 139। तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कल का पोल। कल मैंने रखा था क्या टेलीग्राम यूज़ करते हो या नहीं, तो 3700 के पास लोगों ने वोट किया है, जिसमें 2300 लोगों ने कहा है कि नहीं यूज़ करते, मगर 1370 लोग हैं जो यूज़ करते हैं। तो भाई मैंने अपना टेलीग्राम अकाउंट बना लिया है, जिसमें मैं आपको टेक लीक्स दूंगा और जो भी मुझे पता चलेगा टेक के बारे, कुछ भी पता चलेगा मैं आपको उसके बारे बताता रहूँगा। तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वरना आप चैनल ढूंढ सकते हैं साहिल करोल, मेरी पिक्चर मिलेगी और कुछ लीक्स मिलेंगे। तो कल मैंने कहा था कि कल की टेक न्यूज़ में अगर 5000 लाइक्स आ जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। हमारे 5000 लाइक्स नहीं हुए, मगर नियर अबाउट 4500 लाइक्स हो गए हैं और रियली इंप्रेसिव। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने लाइक्स मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए। अनबॉक्सिंग में आ जाते हैं, टेक न्यूज़ में मोस्टली मेरे को 2500-3000 लाइक्स आते थे, मगर आप लोगों ने मेरा मान रखा, मैं कह सकता हूँ रियली ओब्लाइज्ड कि 4500 लाइक्स आए हैं, जो बहुत बढ़िया है। तो आज भी रखते हैं टारगेट 5000 लाइक्स का, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। मेहनत लगती है टेक न्यूज़ में और भाई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती टेक न्यूज़ में, बस एक ये होता है व्यूज़ आ जाते हैं तो करके हम मेहनत करते हैं कि भाई आप लोगों को हम टेक न्यूज़ दे सकें। तो आज का पोल भी रख लेते हैं, क्या आपको इस लॉकडाउन से फाइनेंशियली लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे अपने पोल में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की गर्मा गर्म टेक न्यूज़। तो पहले न्यूज़ की बात कीजिए तो वीवो Y50 आज फाइनली लॉन्च हो गया, सस्ते नशे करके लॉन्च किया गया है ये वीवो Y50। 6.53 इंच की पंच होल फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है, 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, स्नैपड्रैगन 665, प्राइस 1700 युआन, जो नियर अबाउट बनता है 18-18.5 हज़ार के पास। तो भाई स्नैपड्रैगन 665, तभी मैंने कहा सस्ते नशे के साथ ये लॉन्च किया गया है। 5000 mAh की बैटरी है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 13+8+2+2 मेगापिक्सल का रियर क्वाड कैमरा। तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा कौन लॉन्च करता है आज के टाइम में, मेरे हिसाब से ये फ़ोन यूजलेस वर्थलेस है, इंडिया में आएगा तो देखना भी मत। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ओप्पो एयरवुक जो 40 वॉट का वायरलेस चार्जर अभी रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ था ओप्पो A2 के साथ, वो ट्रेडमार्क किया गया है यूरोप में, तो जल्दी ये आ सकते हैं ग्लोबली, तो होपफुली इंडिया में भी आए। ए सीरीज़ काफ़ी बढ़िया थी, इस पर थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है लेनोवो फ़ोन का एक पेटेंट सामने आया है, जिसमें कह रहे हैं इसमें रिवर्स नॉच होगी, थोड़ा डिफरेंट टाइप तरह कर रहा है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखते हैं लेनोवो क्या करता है। इंडिया में तो लेनोवो बिल्कुल भी कुछ कमाल नहीं कर रहा, मगर चाइना में बढ़िया फ़ोन निकालता है और बढ़िया स्पेक्स के साथ। मैं इनके गेमिंग फ़ोन की वेट कर रहा हूँ, जो कह रहे थे अप्रैल में आएगा, मगर अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आईफोन एस सी 2020 से याद आया शायद मेरा, कल आईफोन एस सी 2020 कंकंग को डिलीवर हो जाएगा। तो मैं भाई आपको कंफर्म नहीं कह सकता कल इसकी अनबॉक्सिंग आएगी या नहीं आएगी, परसों तक तो आ ही जाएगी। और रेडमी बैंड अभी भी मैं उसकी अनबॉक्सिंग और वीडियो नहीं डाल पाया, तो सॉरी फॉर डैट, होपफुली मैं जल्दी लाऊं। तो न्यूज़ की बात करते हैं तो आईफोन एस ई 2020 का एंटूटू स्कोर सामने आ गया है, 492,000 के पास स्कोर आया है, तो 5 लाख के अंडर कम है। तो A13 बायोनिक चिपसेट यूज़ किया गया है जो आईफोन 11 में था, इसमें 3GB रैम और 256GB स्टोरेज पे टेस्ट किया गया है, तो स्कोर कह रहे हैं आईफोन 11 से कम है क्योंकि उसका मोर देन 5 लाख था, मगर मेरे हिसाब से ठीक है, आईफोन 11 आपको महंगा भी है और ये सस्ता भी है। बाकी देखते हैं कल आ जाएगा तो परसों तक मैं कुछ करके देखूँगा क्या खास है इस आईफोन में, जिसकी कॉस्ट रखी है 36,000 चाइना में और 42,500 इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है शाओमी का भी एक पेटेंट सामने आया है, जिसमें कह रहे हैं जो इसका कैमरा होगा वो मॉड्यूल कैमरा होगा, मतलब फ्लिप हो जाएगा ऊपर से, जो आपने फोटो लेनी होगी तो फ्लिप करके कैमरा आगे कर लोगे और फ्लिप करके पीछे कर लोगे। ये पेटेंट्स होते हैं, काफ़ी बार ये पेटेंट रियल लाइफ में नहीं आते और ऐसे ही रह जाते हैं, देखते हैं शाओमी लाता है या नहीं लाता। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो IQ3 ने फाइनली आज अपना प्राइस लॉन्च कर दिया, प्राइस हो गया है इसका 35,000, रियली इंप्रेसिव। स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है ये फ़ोन और 35,000 का इंडिया में सबसे चीपेस्ट
बन गया है फ़ोन। 4000 कॉस्ट डिडक्ट किए, पहले 36 पे लॉन्च किया था मगर GST इंक्रीज़ करने के बाद 2000 कॉस्ट बढ़ गई थी मगर अब वापस 35 पे आ गया। मे बी IQ Neo 3 का फैक्ट है या क्या फैक्ट है मगर काफ़ी बढ़िया प्राइस लगा मुझे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो MediaTek Tiana या MediaTek Dimensity 800 का Antutu स्कोर सामने आया जो है 3,25,000, तो एक मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 765 का भी इतना ही है 3,20,000 के पास, तो MediaTek के चिपसेट काफ़ी सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। तो भाई अगर स्नैपड्रैगन 765 20,000 पे आ सकता है तो भाई MediaTek उससे अंडर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो स्नैपड्रैगन 865 सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो ये डिजिटल चैट स्टेशन ने कंफर्म किया है और कुछ लीक्स भी और भी आ रहे हैं, फोन्स के गीकवेंस हो रहा है जिससे ये प्रूफ लग रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है Honor 10X। Honor 10X का नाम होगा चेंज, इसका नाम होगा Honor X10। ये मुझे समझ नहीं आया क्या Redmi 10X ने Honor को नाम चेंज करने के लिए मजबूर किया है या क्या है पता नहीं, मगर उसका नाम होगा Honor X10। देखते हैं नेक्स्ट मंथ इस फ़ोन के आने के चांसेस हैं। और Kirin 820 चिपेस्ट 5G फ़ोन होगा Huawei का अब तक। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Meizu 17, जी हाँ Meizu 17 के पेंडियर केस इस पिक्चर सामने है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। 8 मई को ये फ़ोन लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 865 प्लस UFS 3.1 ऑफिशियली कंफर्म हो गया, तो देखते हैं किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं, चांसेस हैं ये 3500 युआन तक आ जाए, तो देखते हैं, फ़ोन मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है LG वेलवेट, जी हाँ मैंने आपको बताया था बहुत बढ़िया फ़ोन लुक्स में आ रहा है, इसकी स्पेक्स और लॉन्च डेट सामने आई है। स्नैपड्रैगन 765G के साथ ये फ़ोन आएगा, 7 मई को ये लॉन्च होगा, मगर जो इसका प्राइस सुन के आप कहोगे इसने तो कुछ ज़्यादा ही सस्ते नशे कर लिए, कह रहे हैं इसका प्राइस नियर अबाउट $650 होगा जो बनता है 49,000 के पास। तो 49,000 में स्नैपड्रैगन 765G, 20,000 में हमारा रेडमी K35G मिल रहा है और अभी रियलमी X50M भी 20,000 में आ चुका है, तो ये 50,000 किस बात का ले रहे हैं, बस लुक्स का हिले हुए हैं मैं तो ये कहूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रेडमी नोट 9 सीरीज़ अप्रैल 30 को मलेशिया में लॉन्च हो रही है। ये शायद जो इंडिया में रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स आया था वो और रेडमी नोट 9 जो हीलियो G85 वाला कर सकते हैं लॉन्च, बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, मलेशिया में हो रही है, अगर चाइना में होती तो खास होता। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है रियलमी X3 जूम सुपर जूम एडिशन के ब्लूटूथ सर्टिफिकेट की, इसका ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन सामने आ चुका है, तो ये जल्दी आने वाला है स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ ये आएगा फ़ोन और इंडिया में बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है मिक्स 4, जी हाँ मिक्स 4 जिंदा है, हम लास्ट ईयर से वेट कर रहे हैं मिक्स 4 की, आज इसका Geekbench स्कोर सामने आया। स्कोर के हिसाब से इसका इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 865 प्लस, सिंगल कोर 922 और मल्टी कोर 3320। तो भाई मिक्स 4 मेरे हिसाब से अब जुलाई तक आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम स्नैपड्रैगन 865 सेकेंड हाफ में कह रहे हैं, तो सेकेंड हाफ ऑफ ईयर जुलाई से शुरू होता है, देखते हैं कब तक आता है मिक्स 4, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिक्स 4 के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई MIUI 12, जी हाँ MIUI 12 के काफ़ी फेक क्लोज बेटा सामने आ रहे हैं। Xiaomi ने क्लियरली कहा है अगर आपको कुछ भी ऐसा बेटा वर्जन मिले उसको डाउनलोड मत कीजिए, उस पर बिलीव मत कीजिए। 27 अप्रैल को MIUI 12 आएगा तो उसके बाद ही कुछ सामने आएगा, तो उससे पहले आपको वेबसाइट ऑप्शन दे रही है क्लोज बेटा की, तो आप उसमें इनरोल मत होइए, क्योंकि आप सोचते हैं कि नया UI वर्जन है हम टेस्ट कर सकते हैं हम रिव्यू कर सकते हैं, तो भाई आपका डाटा और बहुत कुछ फ़ोन का लीक हो सकता है, तो रिस्क मत लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारी MIUI 10 यूथ एडिशन, जी हाँ आज मुझे ये फ़ोन अब थोड़ा कम अच्छा लगने लगा है, कह रहे इसका Tiana सर्टिफिकेट आ गया है, सर्टिफिकेट में इसके फीचर सामने आए हैं। फीचर में मेरे को बैटरी सबसे कम लगी 4060mAh की, वाटरफॉल ड्रॉपलेट नॉच है जो भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, मगर इसका खासियत है इसका कैमरा, कैमरा को छोड़ दिया जाए तो मुझे कुछ फ़ोन में खास नहीं लग रहा, स्नैपड्रैगन 765G के साथ आता है मगर जो इसका कैमरा है बहुत ही कमाल है। कल मैंने बताया था 17 किलोमीटर का जूम, आज इन्होंने 19.7 किलोमीटर का जूम करके दिखाया, तो बहुत ही बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ अगर 50x 19.7 किलोमीटर का जूम करें तो भाई
जो 100x भी अगर पेरिस्कोप जूम में आएंगे तो वो कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाएंगे, हमें दूरबीन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं 27 तारीख को ये भी लॉन्च होगा, किस प्राइस पर लॉन्च होता है और क्या होता है। एक लीक सामने आई है कुछ चाइनीज़ टिप्सर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं अंडर 2000 युआन, मतलब 21,000 के अंडर प्राइस में ये लॉन्च होगा और ये चीपेस्ट 5G फ़ोन बन जाएगा अब तक का। तो देखते हैं क्या सच होता है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारे एप्पल की तरफ से। एप्पल के एयरपॉड जो थर्ड जनरेशन के होंगे वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में आएंगे। तो वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि भाई 20,000 के इन्होंने सेकेंड जनरेशन के निकाले थे एयरपॉड जिसमें हम एक बढ़िया सा फ़ोन ले सकते हैं। तो भाई सिंपल एक एयरपॉड 20,000 के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनी जा रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई वर्थ नहीं है। आपको क्या लगता है, बढ़िया लगता है या नहीं लगता? तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं आप सीधा करंट डायरेक्टली वहाँ पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू नेक्स्ट वीडियो।